अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मेरा ब्लॉग है ट्रेवल पर और मैं जा रहा हूँ यहाँ से फैज़ाबाद। तो देखते हैं फैज़ाबाद में क्या कितना खर्चा आएगा यहाँ से जाने में टोटली। हाँ तो गाइस, अभी हम चल रहे हैं सड़क की तरफ और यहाँ से रिक्शा लेना पड़ेगा। ई रिक्शे से फिर यहाँ से बस स्टॉप जाना पड़ेगा। अब यहाँ से बस स्टॉप जाना है, फिर वहाँ से बस मिलेगी, तब हम निकलेंगे फैज़ाबाद डायरेक्ट। पकड़ता भैया, आपको रिक्शा मिल गया। अब चल रहे हैं बस अड्डे की तरफ। चलो भाई, हम लोग चल रहे हैं बस अड्डे की तरफ, वहाँ से बस मिलेगी, फिर निकलेंगे हम लोग घर। नाम क्या है आपका? नाम देवी प्रसाद मौर्य। अंकल जी का नाम देवी प्रसाद मौर्य है। अभी हमको लेके चलेंगे बस स्टॉप की तरफ। अरे काका, अभी नई गाड़ी है। हाँ, एक साल हो गया। तो कितने मिली? कितने पड़े? 1,40,000। 1,40,000 का रिक्शा अभी करंट टाइम में आ रहा है। अच्छा, आप एक्सवाइज ब्लॉक। अच्छा, तो ये आपको कुछ का रिक्शा? और अगर किराए पर इसे चलाना हो, किराए पर तो किराए 300 रुपये किराया लगता है। किराए पर कोई फ़ायदा है नहीं? हाँ हाँ, नहीं सही बात है, किराए पर कोई फ़ायदा है नहीं। ना है तो कोई ना कुछ बचेगा। ये सुल्तानपुर का कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन स्कूल है ये। इसको बोलते हैं केनआईसी कैंपस स्कूल है ये। सुल्तानपुर का बहुत ही मशहूर कॉलेज है। हाँ तो गाइस, हम लोग बस स्टॉप आ गए हैं। अभी बस स्टॉप से देखते हैं कौन सी बस खाली है। जो बस खाली रहेगी उसी पर बैठेंगे। फिलहाल अभी एक बस तो निकली है यहाँ से, जा चुकी है। अब देखते हैं कौन सी बस खाली है। बस तो दिख नहीं रही यार। सारी बस जा चुकी है, अभी जो बस आएगी उस पर फिर बैठेंगे हम लोग। यहाँ से ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आपको फैज़ाबाद और कादीपुर ये सब के लिए बस मिल जाएगी। और लखनऊ का बस स्टॉप देखेंगे तो ये बगल में है इसके, ये सामने लखनऊ का बस स्टॉप है। यहाँ से लखनऊ कानपुर दिल्ली के लिए बस जाती है। ये सामने एक बस तो खड़ी है, चलो देखते हैं इसमें। भैया फैज़ाबाद जाएगी ये बस। हाँ तो गाइस, अभी हम फैज़ाबाद आ चुके हैं और अभी यहाँ से जाना है चौक। मुझे चौक के लिए रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, देखते हैं। अभी तो कोई रिक्शा है नहीं इधर यार, देखना पड़ेगा। हाँ तो गाइस, मैं आ गया हूँ। घंटाघर नहीं उतरा हूँ, लेकिन मुझे अयोध्या उतर कर मुझे रिक्शा मिला नहीं और मुझे टेम्पो पर बैठना पड़ा, वो अयोध्या ऊपर उतारा। अभी चलते हैं दुकान की तरफ, थोड़ा सा दूर है। आज मंडे है, फिर भी यहाँ सन्नाटा है। तो हम घंटाघर पहुंच चुके हैं, चौक में सन्नाटा है, बहुत सन्नाटा यार यहाँ पे। हाँ तो गाइस, अभी मैं अपने घर पर हूँ और घर पे
आराम करना, खाना पीना खा के अब चल रहे हैं हम लोग लेटने। तो मेरा सुल्तानपुर से फैज़ाबाद आने का खर्चा इतना लगा कि रिक्शा से शहर में कहीं भी घूमो 10 रुपये लगता है, 10 रुपये किराया, 10 से 20 रुपये समथिंग। और बस का हो गया मेरा 80 रुपये हो गया सुल्तानपुर से फैज़ाबाद। और हाँ, मुझे एक जानकारी ये मिली कि अगर आपको आना है तो फिर बस स्टॉप जाना पड़ेगा, बीच में कहीं रुकती नहीं है बस, अभी रात में 24 घंटे गाड़ी चलती है और ये आपको मिल जाएगी, लेकिन सरकारी बस मिलेगी आपको, प्राइवेट नहीं मिलेगी रात में की भी किसी भी टाइम। और अगर हमको फैज़ाबाद से कहीं अयोध्या जाना है या चौक जाना है तो ये ई रिक्शा भी मिल जाएगा और ऑटो भी मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ता है हम लोग को थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो। तो मेरी ये थी वीडियो आज की, आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।